नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले गांवों में निकाली गई कलश यात्रा। पन्ना जिले के मानगंज तहसील चित्र की कमताना गांव में आज 11 मार्च सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ गुन्नौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा ने किया। इस परियोजना से 10 जिले लाभान्वित होंगे। परियोजना के तहत प्रेशर पाइपलाइन डाली जाएगी, जिससे किसानों को खेती की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसका लाभ पूर्णतः मध्य प्रदेश को मिलेगा। कार्यक्रम में गुन्नौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा, मानगंज मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी एवं गांव की जनता जनार्दन मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन वेदराम पांडे द्वारा किया गया। थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जा रही है। लिंक परियोजना के शुभारंभ में गांव के अंदर कलश यात्रा निकाली। आज जो योजना केन बेतवा लिंक परियोजना है, ये 44,605 करोड़ की योजना है, जिससे हम 10 जिले सिंचित करने जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर 90% से ऊपर हमारा सिंचित होगा। इसमें 8.11 लाख हेक्टर जमीन हम सिंचित कर रहे हैं। हमारा जो किसान पानी के लिए परेशान होता था, इसमें हम बड़ी पाइपलाइन डाल के प्रेशर पाइपलाइन डालेंगे, उससे हम छोटी पाइपलाइनें खेतों तक देंगे। और लोगों का जैसे बिजली का बिल आता है, ऐसे हम किसानों से कम राशि में हम दो पानी किसानों के बीच में देंगे। हमारा किसान जो लहलाती फसल होगी वो आज गांव के अंदर होगी, और हम 3 फसलें हर गांव के अंदर और इस पूरे 10 जिले में जो ये परियोजना जाएगी, उन लोगों को लाभान्वित कराएंगे।